अगर आप डेली की 800 से 1000 लीड जनरेट करना चाहते हो ना, तो आज मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट बताने वाली हूं। अगर आपने उन तीनों पॉइंट पे काम कर लिया तो गारंटी के साथ दिन का 800 से 1000 लीड्स आप इजीली से जनरेट कर सकते हो। देखो, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स। गाइज, एक चीज मैं आज आपको फैक्ट बताने वाली हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट वो फैक्ट है। और वो क्या है? लीड जनरेट करना आपको आता है, बट आप करना नहीं चाहते। आपको पता है हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम दिन का 500, 1000, 2000, 3000 इजिली से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? आपको पता है, उसके बावजूद भी आप जनरेट नहीं कर रहे। मैं बताती हूँ कैसे। काफी लोग मुझे बोलते हैं, मैम मैं डीएम मार्केटिंग करता हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आता। मैम मैं कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, मेरे रिजल्ट नहीं आता। मैम मैं फेसबुक एड रन करता हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आता। मैम मैंने पैड प्रमोशन भी करवाया है, मेरे को लीड्स नहीं आती, मेरे को रिजल्ट नहीं आता। मैं एक चीज बोलूं, अगर आप भी उन्हीं पर्सन में से हो जो इन्हीं में से कोई एक चीज कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, इट मींस जो भी आप कर रहे हो वो सही से नहीं कर रहे हो। अगर आप डीएम मार्केटिंग कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, इट मींस आप डीएम मार्केटिंग ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर ठीक से कर रहे हो तो प्लान पिचिंग ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, रील्स वायरल नहीं जा रही, तो उसमें मिस्टेक किसी और की नहीं है, आपकी है, जिसकी वजह से आपको लीड्स नहीं आ रही। अब मैं देखो थोड़ा और आपको डीप में बताती हूं। मेरे पास ऐसे पर्संस भी हैं जो बोलते हैं कि मैं ये करता हूं, मेरे को बहुत अच्छी लीड्स आती है, बहुत अच्छा कन्वर्जन मिलता है। और ऐसे पर्सन भी है जो बोलते हैं मैं भी ये करता हूं, बट मेरे को रिजल्ट नहीं आता। काफी मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि मैं डीएम मार्केटिंग करता हूं, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। काफी बोलते हैं कि मैं भी डीएम मार्केटिंग करता हूं, बट मेरे को रिजल्ट नहीं आता। काफी बोलते हैं मेरा कंटेंट वायरल जाता है, कंटेंट के थ्रू मेरे पास बहुत अच्छी लीड्स आती है, दिन की 200, 300, 500, 1000 लीड्स आती है। और एक दूसरा पर्सन बोलता है कि मैं डेली कंटेंट मार्केटिंग करता हूं, मेरे पास रिजल्ट नहीं आता। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जिसको रिजल्ट आ रहा है वो उस प्रोसेस को ढंग से कर रहा है, और जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा है वो उस प्रोसेस को ढंग से नहीं कर रहा है। सो गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लीड की दिक्कत नहीं है, आप इजीली से घर बैठे 500, 1000, 2000, इवन 10,000 तक की लीड जनरेट कर सकते हो। आज अगर मैंने आपको जो तीन पॉइंट्स बताए हैं ना, उस पे अगर आपने फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आपके पास लीड्स आएगी। जिसमें नंबर वन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, काफी लोग क्या करते हैं, इस काम को उन्होंने स्ट्रेस का काम बना रखा है। कैसे कि यार मेरे को लीड जनरेट करनी है, यार मेरे को क्लोजिंग निकालनी है, यार मेरे पास लीड नहीं आ रही, यार मेरे पास कन्वर्जन नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे को काम को ढंग से कैसे करना है, मैं प्रॉपर तरीके से काम को कैसे करूं जिससे सामने वाले को जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम रिजल्ट मेरे पास आए। गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज डेडिकेशन। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम को करने में आपको मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, एक फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। मैं आपको मेरा बताऊं, मैंने डीएम मार्केटिंग से भी रिजल्ट निकाला, आई ऑलरेडी हैव क्रॉस 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपए मैंने खुद ने कमाए, साथ में खुद की कंपनी का स्टार्टअप किया है द फ्यूचर, इसके नाम तो आपने सुना होगा। मैंने डीएम मार्केटिंग से रिजल्ट निकाला है, मैंने कॉन्टेंट से रिजल्ट निकाला है, मैंने प्रमोशन से रिजल्ट निकाला है, मैंने एड से रिजल्ट निकाला है, मैंने हर एक प्रोसेस से रिजल्ट निकाला है, बट हर एक प्रोसेस को मैंने ढंग से किया। सिंगल लेके 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार तक मैंने लीड जनरेट करी है। जो तरीका आप करते हो वही मैं करती हूं, बट तरीके से करती हूं, ठीक है, डेडिकेशन के साथ काम करती हूं। सो आपको ये जो काम आप कर रहे हो ना, आपको प्यार से करना है, मुस्कुराते हुए करना है। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो तो मुस्कुराते हुए एकदम पूरी जान डाल दो कंटेंट में, पूरी क्वालिटी डाल दो कंटेंट में। और दूसरा, अगर आप डीएम मार्केटिंग कर रहे हो, हर किसी को डीएम क्यों कर रहे हो, बस आपको क्या है, मेरे को डीएम करना है, 20 प्रोफाइल उठाई, आपने डीएम कर दिया। अरे जब आपको कुछ खाना होता है तो आप ये देखते हो ना, मेरा फेवरेट डिश कौन सी है, मैं क्या खाना पसंद करता हूं, उसी तरीके से आप ये देखो। ऐसा नहीं कंटेंट डाल रहे हो, हर कुछ डालो, कौन सा कंटेंट मैं डालूं जिससे मेरा कंटेंट वायरल जा सकता है, वो आपको देखना होगा। और नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो नंबर सेकंड पॉइंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। काफी लोग क्या करते हैं, एक दिन काम करते हैं, 2 दिन गायब, 3 दिन काम करते हैं, 5 दिन गायब। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप एक दिन खाना खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे,
तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी के, डाउन होगी नहीं होगी, हेल्थ 110% होगी। उसी तरीके से बिजनेस में ग्रो करने के लिए भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नंबर वन इज डेडिकेशन, नंबर सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, जो है ही नहीं, अगर वो नहीं है रिजल्ट नहीं निकलेगा। आज मेरे को डीएम मार्केटिंग आता है, मेरे को कॉन्टेंट मार्केटिंग आता है, मेरे को सब कुछ आता है सेल्स के अंदर, बट वो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ किया है ना, तभी मुझे रिजल्ट निकला, अदरवाइज नहीं निकलता। नंबर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी है और थर्ड भी है, दैट इज आपका होना चाहिए लर्निंग माइंडसेट। आपको डेली बेसिस पे सेल्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपको डेली बेसिस पे अपने कंटेंट के अंदर लर्निंग के थ्रू कुछ नई नई चीजें लेके आनी है। मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स देखे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ऐसे ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स देखे जिन्होंने करोड़ों की इनकम जनरेट करी है, और जब मैंने ये फाइंड आउट किया कि उनके रीजन क्या है, किस वजह से वो इतना ग्रो करे हैं, उसका सबसे पहला एक ही रीजन था, और वो है उन्होंने लर्निंग पे बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इंप्लीमेंट कहां किया सारा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और उनका बहुत तगड़ा रिजल्ट निकला है। तो ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जिससे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। एंड देखो गाइस, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, इन तीनों चीजों को फॉलो करने के लिए आपके पास एक सपोर्टर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको डेली बेसिस पे गाइड कर सके कि आज आपको ये काम करना है, आज आपको इस टाइप का कंटेंट डालना है, आज आपको इतनी लीड से बात करनी है, आज आपको ऐसे फॉलो अप बनाने हैं। डेली बेसिस पे कोई आपको सपोर्ट कर सके ऐसा पर्सन आपको होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करूं। जिस तरीके से स्कूल में हम पढ़ने जाते तो टीचर होते हमको गाइड करने के लिए, घर में हम जब बोर्न होते जन्म लेता कोई बच्चा, उसको सिखाने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं कि बोलना कैसे है, चलना कैसे है। उसी तरीके से एफिलिएट बिजनेस में भी ग्रो करने के लिए आपके पास एक बढ़िया मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए लीड की दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है इन तीन पॉइंट्स की, और मेन दिक्कत है राइट सपोर्ट की जो हमको नहीं मिलता है। अगर आपको भी राइट सपोर्ट और राइट गाइडेंस नहीं मिलती है तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताती हूँ जिसके बिहाफ पे, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को मार्केट में लाने का मेरा सिर्फ एक ही विजन था कि जिस एफिलिएट मार्केटर पर्सन की ग्रोथ नहीं हो रही है, जो ज्वाइन करवा के जिनको छोड़ दिया गया है, कंपनी की तरफ से सपोर्ट नहीं है, मेंटर की तरफ से सपोर्ट नहीं है, वो पर्सन मेरी कंपनी में आके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, क्योंकि उस पर्सन को डायरेक्टली मैं सपोर्ट करूंगी। यकीन नहीं आता, अभी मैं आपको लाइव लीडरबोर्ड चेक करवाऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि ऐसे ऐसे पर्सन जिन्होंने अदर कंपनी में काम किया तो कुछ भी इनकम नहीं हुई, आज वो द फ्यूचर स्किल में वर्क करके कितनी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। लाइव दिखाती हूँ, आ जाओ पहले आप द फ्यूचर स्किल का लाइव लीडर बोर्ड आप चेकआउट करो, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप चेक करो, सबसे टॉप पे देखो अजीत कुशवाहा, सिंगल डे इनकम 26,000 प्लस। गौरव बिंदाल जो ऑलरेडी किसी और कंपनी में काम करते थे, ग्रोथ नहीं हो पाई, टीएफएस में आने के बाद में सिंगल डे की इनकम देखो आप 15,000 प्लस। हुसैन पनका ऑलरेडी किसी और कंपनी में काम करते थे, एक दो साल तक एफिलिएट मार्केटिंग किसी और कंपनी में की थी, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, टीएफएस में आने के बाद में सिंगल डे की इनकम 10,000 प्लस। उसके बाद में सुनीता मैम जो हाउसवाइफ है, किसी और कंपनी में काम करते थे, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, टीएफएस में आने के बाद में आप देखो सिंगल डे की इनकम 6,000 प्लस। फिर आप देखो यहाँ पे रेना मैम हाउसवाइफ ही है, एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे थे, ग्रोथ नहीं हुई, टीएफएस में आके सिंगल डे की इनकम 3,000 प्लस। उसके बाद में हरदीप को नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखो आप, ये भी किसी और प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे बट ग्रोथ नहीं हुई, फाइनली ये अभी टीएफएस में वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी सिंगल डे की हो रही है और महीने की हो रही है। सो अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए, ऐसे कुछ एग्जांपल नहीं है, हजारों एग्जांपल्स है जिन्होंने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, कोई सपोर्ट कोई गाइडेंस नहीं मिली, कुछ इनकम नहीं हुई है, बट आज वो पर्सन TFS में आके द फ्यूचर स्किल में आके बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पर्सनली आकांक्षा सोनी सपोर्ट कर रही है। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर स्किल जिसके अंदर आपको ओनर कंपनी की खुद सपोर्ट करने वाली है। सो गाइस, लीड जनरेशन के मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए, और उसके साथ साथ अभी बहुत जल्दी मेरा एक लाइव वेबिनार होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको लीड जनरेशन और क्लोजिंग की ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो करी है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, बस उसको आपको ज्वाइन करना है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंदर आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब वो वेबिनार होने वाला है। उसका पार्ट बनने के बाद में आपकी ग्रोथ 110% होगी। सो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे लगे हैं जिसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। और अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, ग्रोथ नहीं हो रही हो, मेरे से डायरेक्टली सपोर्ट लेना चाहते हो ना,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर में मिलेगा, जाओ व्हाट्सएप पे मेरे से पूछो, मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कॉमेंट में जरूर बता देना कि मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए वो सच में यूजफुल है या नहीं है। लव यू गाइस।